press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. यहां पर हमारी कोशिश ये रहेगी कि वुमन को एम्पावर किया जाए, उनको हुनर की तालीम दी जाए और उनको अपने पैरों पे खड़ाया जाए। और इस सिलसिले में हमने काम किया है कि हमारे स्कूल्स में करीब 1,00,000 ख्वातीन को अब तक हमने ट्रेनिंग दी है। सबसे अहम काम जो हम कर रहे हैं वो ये है कि तालीम बालिगा ख्वातीन का हम एक आगाज करें। जो औरत या लड़की अपने शादी के वक्त तालीम को तर्क कर देती है, आपको सुन के हैरत होगी और खुशी भी होगी कि एक 40 साल की ख्वातीन मोहतरमा ने हमारे स्कूल में आकर तालीम हासिल की, हमने उनको ट्रेनिंग दी और वो 40 साल की उम्र में 10th का एग्जाम पास करी है। तो ऐसे 1,000 ख्वातीन हमारे स्कूल्स में आती हैं जिनको हम फिर से तालीम की तरफ रागब कर रहे हैं। 10th और 12th, 10th ओपन स्कूल, 12th ओपन स्कूल और डिग्री ओपन यूनिवर्सिटी से हम ट्रेन कर रहे हैं उनको। ये एक तालीम के मैदान में ये काम औरतों के लिए हम कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो वोकेशनल ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है ये भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो वोकेशनल ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है ये भी कर रहे हैं। और एक ट्रायल बेसिस पर सालम चौक तलाकपट्टे में और हाफिज बाबा नगर में हमने ये जितने स्विंग में जो ख्वातीन ट्रेन होती हैं उनको रोजगार से लगाने के लिए गवर्नमेंट के इश्तराक और हमारे ट्रस्ट के साथ मिलकर वहां एक 50 बाबा नगर में 50 सालम चौक के वहां पर लड़कियों को ट्रेन कर रहे हैं ये शर्ट सीने की, ये पैंट सीने की। ट्रेनिंग के बाद में ऑर्डर्स ले रहे हैं हम बड़े बड़े ये कंपनीज से, गारमेंट के इंडस्ट्रीज से जॉब वर्क के लिए। और ये दो अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो बल्लागुड़े में जहां पे हमारा एजुकेशनल कैंपस है वहां पर 60,000 स्क्वायर फीट, 60,000 स्क्वायर फीट के बिल्टअप एरिया पर हम एक कंप्लीट शेड डाल रहे हैं जहां पर कंप्यूटराइज स्विंग मशीन्स होंगे जिनकी लागत सिर्फ मशीन्स की 8.5 करोड़ रुपये है। शेड हम 6.5 करोड़ रुपये से बना रहे हैं और वहां पर हम बड़ी बड़ी कंपनी से जॉब वर्क लेंगे और इरादा है कि 1,500 से 3,000 ख्वातीन को रोजगार पर लगाए वहां पे 8,000 से 25,000 की तनख्वाह पर। और जो प्रॉफिट्स आएगा हमको उस इंडस्ट्री से, जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट को हम 25% वहां के काम करने वाले ख्वातीन में दे देंगे और 75% उसका जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट हमारे स्कूल और मदरसों के लिए हम वक्फ कर देंगे ताकि हमारे मदरसे चलते रहे। ये एक काम है जो ख्वातीन के लिए हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे।